इस वीडियो से पहले बताए गए सारे लॉज और आने वाली वीडियोस के सारे लॉ वेस्ट है अगर आपने आज इस लॉ को नहीं समझा, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले लॉ नंबर 4 के बारे में। सो वेलकम टू द सीरीज जहाँ पे हम लोग एक एक करके 48 लॉज ऑफ पावर डिकोड कर रहे हैं और समझ रहे हैं इन्हें लाइफ में कैसे और कहाँ पे करेक्टली यूज करना है। और भाई अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सारे लोग बड़े प्यारे होते हैं, ये हमारा भला ही चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो को प्लीज इसके आगे मत देखना, क्योंकि आपके सारे बिलीव्स ब्रेक होने वाले हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, कोई भी इंसान तब तक ही अच्छा रहता है जब तक आप उसके लिमिट्स को पुश नहीं करते। जब भी आप किसी के लिमिट्स को, उसकी बाउंड्रीज को पुश करोगे तो आपको उसका असली रंग पता चलेगा। आपको पता चल जाएगा कि उसकी दिखाने की शक्ल अलग थी और खाने की शक्ल अलग, और कैसे आपने अपनी जिंदगी में सांप पाल के रखे थे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गोल 3 मिलियन का है और बस 20 दिन बचे हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना, बट एक चीज गलती से भी मत करना, और वो है इस वीडियो को शेयर करना। ये सारे के सारे लॉ स्ट्रिक्टली इस चैनल की कम्युनिटी के लिए है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जितनी भी सारी बातें हो रही है, हम जो भी चीजें डिकोड करने वाले हैं, वो बाहर के लोगों को पता चले। खुद सीखो, समझो और करेक्टली यूज करो। ज्यादा महात्मा बन के लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज सबको ही पता चल गई तो भाई इसका फायदा ही क्या है। तो लॉ नंबर 4 ये कहता है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी जितना चाहिए उसे कम बोला करो। सुनने में तो बड़ा सिंपल है राइट, बट उतना है नहीं। आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हो जो आपको बोलनी नहीं चाहिए, और कभी कभी आप इस चीज को रियलाइज भी नहीं करते। वो कन्वर्सेशन होने के बाद 5-10 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई यार ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, ये शायद बोलना नहीं चाहिए था, या ये चीज इसको बतानी नहीं चाहिए थी। सो ये लॉ उसी एस्पेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि कैसे आप जैसे भोले वाले इंसान से लोग चीजें निकलवा लेते हैं अपने फायदे के लिए, और कैसे उन लोगों से बचना है। अब हमने चीजें निकलवाने की बात छेड़ दी है, तो बात करते हैं लोग कैसे आपसे चीजें निकलवाते हैं, क्या वो टैक्टिक्स है जो ये सारे लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पर्सुएशन। अब पर्सुएशन में सामने वाला इंसान आपको ब्राइब करता है, आपको रिवॉर्ड देता है, या फिर आपको थ्रेट देता है, या फिर चैलेंज करता है। सामने वाला बार बार आपको गिफ्ट देगा, या फिर आपको डिनर पे लेके जाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको खुश कराएगा, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू। और अगर ये भी चीज काम ना करे तो दे विल ट्राई टू थ्रेटन यू, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे ताकि उन्हें जो चीज आपसे चाहिए वो आपसे निकलवा ले। और नॉट नेसेसरी ये हमेशा फिजिकली होता है, कई बार ऐसे मैनिपुलेटिव लोग आपसे वर्बली डील करते हैं, वो अपनी बातों से आपसे चीजें निकलवाते हैं, और अगर वो भी चीज काम ना करे तो फिर वो आप पे खेलते इमोशनल गेम, क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है इमोशंस। आपकी पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो उन्हें पता होगा और वो आपके खिलाफ यूज करेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो आपकी पर्सनल चीज है वो अपनी पर्सनल चीजें रखो, पूरी दुनिया को जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन कब कैसे आपको इमोशनली डैमेज करने के लिए ये सारी चीजें यूज करे आपको खुद को पता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कंडीशनल मैनिपुलेशन। अब ये बेसिकली 3 टाइप की होती है, फ्लैटरी, इंटीमेसी, सिंपैथी। फ्लैटरी यानी वो आपको तब तक झाड़ पे चढ़ाएंगे जब तक उनका काम नहीं निकल रहा। इंटीमेसी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप उतने स्मार्ट हो कि आप समझ जाओ। एंड लास्टली आती है सिंपैथी। अगर वो आपके इमोशंस पे खेल नहीं पा रहे तो वो खुद इमोशनल बनके आपसे चीजें निकलवाएंगे। एंड आई एम सॉरी टू से दिस, बट 90% ऑफ द जनता इस ट्रैप में फंसती है। सामने वाला 2 मगरमच्छ के आंसू बहा देना तो भाई आप पिघल जाते हो। आप सोचते हो नहीं नहीं भाई, इसकी तो मदद करनी चाहिए, इसका तो लाइफ में भला होना चाहिए, चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं, इससे क्या ही होगा। बट दैट कुड बी लीथल। आप एक बार इस ट्रैप में फंस गए तो वो आपके खिलाफ ये ट्रैप बार बार यूज करेंगे, और जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होंगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा अदर देन टेलिंग देम योर सीक्रेट्स। मैनिपुलेशन नंबर 3, मिसयूजिंग अथॉरिटी। कई बार लोग आपसे चीजें निकलवाएंगे अथॉरिटी के बेसिस पे। हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हो सकता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे वो डेजिग्नेशन वाइज बड़े हो, या हो सकता है उनके पास आपसे ज्यादा पैसा और पावर हो। दीज ऑल थिंग्स कम अंडर अथॉरिटी। और आपने ये सारी चीजें तो लोकल पॉलिटिशियंस के साथ देखी होगी, वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करके कई बार लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। छोटा इंसान हो तो उसके ड्रीम्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं होती। एंड लास्टली कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को इधर की बातें उधर करना बहुत अच्छे से आता है, एंड दे विल ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल। उनका एक फंडा हमेशा काम करता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाओ और उनमें से कोई ना कोई एक आके तुम्हें अपनी सारी बातें बताएगा। और अगर नॉर्मल जनता की देखे तो मैनिपुलेटिव तुम खुद ऐसा सोच के नहीं बनते हो, ये ट्रेड्स आपके दिमाग में बहुत अनकॉन्शियसली काम करती है, और कई बार ऐसे लोग उनके एक्शंस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो खुद समझ नहीं पाते कि वो किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और इनको कभी ये चीज समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग ये चीज कभी समझने नहीं वाले। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू लर्न द डिफेंस। तुम सीखो कि इन लोगों से बचना कैसे है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। तो जब आपने जान लिया है कि लोग कैसे आपसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप समझते हैं लॉ नंबर 4 को। अब लॉ नंबर 4 के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, जब भी आप अपना मुंह बंद रखोगे आप दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराओगे, और आपको वही करना है, क्योंकि यूजुअली कन्वर्सेशन करते वक्त अगर साइलेंस आ जाए तो कोई ना कोई बंदा उसे फिल करने का ट्राई करता है, और ऐसे मोमेंट पे आपको पता चल गया कि सामने वाला बस इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है और आप 2 बातें कह के शांत हो गए, तो ये चीज सामने वाले को जाके बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन पे रख देगी, और फिर उनका ही गेम उन पे वापस पूरी तरह पलट जाएगा। वो ट्राई करेंगे चीजों को फिल करना अपनी बातों से, बट आपको स्मार्ट बन के वापस से 2 और शब्द कह के शांत हो जाना है। ये चीज आपको किसी से भी मैनिपुलेट होने से बचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, आप जितनी कम बातें करोगे आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगोगे। बचपन से हमारे दिमाग में हमेशा ये परसेप्शन बना हुआ है कि हमेशा एक्सट्रोवर्ट बंदा ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। ही इज नॉट पॉपुलर, ही इज अ पॉपुलर फूल। जो बंदा अपनी जबान पे कंट्रोल रखना सीखता है उसके लाइफ के कुछ मेजर प्रॉब्लम्स खुद से
सॉल्व हो जाते हैं। और यही चीज लाती है हमें प्रिंसिपल नंबर 3 पे, जब भी आप ज्यादा बात करोगे तब आप हाई रिस्क पे रहोगे कि आप कुछ ऐसा बोल दो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए आपने ये चीज नोटिस की रहेगी कि जब भी कोई एक्टर किसी केस में फंस जाता है तो मीडिया जब उसके सामने आती है तब वो कहता है नो कमेंट्स। और ये शब्द उसके नहीं होते, ये शब्द उसके लॉयर के होते हैं, क्योंकि आज का मीडिया आपकी बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके आपके खिलाफ यूज करना जानता है। और जब आप ऑलरेडी किसी दलदल में फंसे हुए हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके ऊपर और चार चीजें गिर जाए। तो ये है वो नो कमेंट्स के पीछे का रीजन। हमेशा टू द पॉइंट बोलो और अवॉइड करो खुद के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करना। अब ऐसा नहीं कि इस लॉ की सारी अच्छी बातें हैं, ये लॉ आता है उसके खुद के कुछ ड्रॉबैक्स के साथ। नंबर 1, लोग आप पे शक बहुत करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब आप दो लाइन कह के शांत होने लग जाओ तो सामने वाले को ये चीज लगने ही वाली है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। बट इफ यू वांट टू सक्सेसफुली हाइड योर इंटेंशंस यू हैव टू डील विद इट। एंड नंबर 2, कई सारी सिचुएशंस में थोड़ा पागल थोड़ा संकी लगना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप हर सिचुएशन में स्मार्ट लगने लगोगे तो भाई सामने वाला बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। वो अपने इंटेंशंस आपसे छुपाने लगेगा बिकॉज उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही शाना है। सो एट टाइम्स एक्ट लाइक अ फूल बट ऑलवेज बी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द रियल इंटेंशंस। तो इसी के साथ लॉ नंबर 4 का एंड आ चुका है। मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाके एक छोटा सा कमेंट तो जरूर ड्रॉप करना। आपके लिए शायद ये इतनी बड़ी चीज ना हो बट मेरे लिए एज अ क्रिएटर इट मींस अ लॉट। एंड स्मार्टली इन लॉज को अपने डिफेंस के लिए यूज करो बट नेवर अटैक। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।